करूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये चुते आपा घर दब के मर जाओ। लानत है मिडल ऑर्डर पे। बाबर आजम और रिजवान को छोड़ दे, बाकी सारी टीम को नहर पे खड़ा करके चूड़ियां पहना के छितर मारे जाए। अल्लाह अकबर। में मैच खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी, आप ऑल ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे। लानत है यार, सीधी बात है, लानत। ठंडा छोड़ यार, मुस्तफा कसम से एक एक आता है, एक एक आदमी आता है यार, दिमाग खराब करते, जाओ मेरा जाओ वरना मारेगा। हो गया इस टाइम बहुत बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनकी टीम बहुत हाई मोराल में, उनका हार्दिक पांड्या, उनका यादव, ये बहुत हाई स्पिरिट्स में खेल रहे हैं। तो हम 3 बजे से आके बैठे हुए, बड़ा दुख हुआ आप नहीं आएंगे, आप घर में देखेंगे। खेल के हारे तो फिर भी कोई खास कोई भी अफसोस नहीं होता, फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिस तरह आखिरी में इन्होंने एंड किया है ना, वो बहुत खराब। ना बॉलिंग अच्छी की है ना बैटिंग अच्छी। मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मैच में लेके चलो, पाकिस्तान के खातिर अगर मैं ये हाथ नहीं काटा ना, इन लोगों के ऊपर अगर मैं छक्के नहीं मारे, तो आ जाओ मैं आप लोगों के साथ ये हाथ काट देगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HDK को नए वीडियो में। दोस्तों आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानियों के अंदर में इस समय कितना ज़्यादा गुस्सा फूटा हुआ है इंडिया को लेके, और दोस्तों पाकिस्तान ने जिस तरह से अभी हार खाई है उसके बाद पाकिस्तान की जो जनता है, वो पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट लवर हैं, वो पाकिस्तान की प्लेयर्स को गालियाँ दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन लोगों को नहर पर खड़े करके इनको चूड़ियाँ पहना देनी चाहिए, केवल बाबर आजम और रिजवान को छोड़ करके। और दोस्तों आप लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से तोड़फोड़ मचाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर में, जो लोग हैं क्रिकेट लवर हैं वो अपनी टीवियां तोड़ रहे हैं और वो जज्बात में आकर अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं। वैसे खैर तो पाकिस्तान अब तो नहीं लग पा रहा है कि दोबारा ये टीवियां ले पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी की भी बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, लोग खा तो पा नहीं रहे, टीवी कहाँ से लेंगे। और दोस्तों अगर आप और भी ऐसी क्लिप देखना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी क्लिप पे जोड़ रखी है जिसको देख के आपको मजा जाने वाला है। आज आपने पाकिस्तान इंडिया का मैच की बैटिंग देखी होगी, तो अब ये बताएं पाकिस्तान ने किस तरह की बैटिंग की और पाकिस्तान की टीम को आज क्या हुआ जो इतनी घटिया बैटिंग की है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास बैट्समैन ही कोई नहीं था, अगर आप लाइनअप देखें, और मैं तो बहुत डिसअपॉइंट था कि यार ये लाइनअप क्या है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी, आप ऑल ओवर के साथ खेल रहे थे। यार सबसे पहली बात तो ये कि ना पाकिस्तानी टीम को ना बाबर आजम और रिजवान के अलावा ना बाकियों के ऊपर भी ना रिलाय करना सीखना चाहिए। मिडल ऑर्डर बैट्समैन वाज शिट, शिट्टी बैट्समैन। मैंने खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद जैसी पर्ची ही नहीं कभी देखी। लाइक उन लोगों को कितनी दफ़ा इफ्तिखार अहमद को ट्राई कराएंगे, उसने आज तक कभी परफॉर्म किया ही नहीं है। और ऊपर से दूसरी बात, खुशदिल शाह साहब साथ साथ गेंदे खेल के एक स्कोर दो स्कोर कर रहे हैं, वो भी तब जब हमें हीटिंग की जरूरत थी, स्ट्राइक रेट 0 के ऊपर लेके गए हुए हैं। दब के मर जाओ। स्टार्ट होने से पहले देख तो ली थी, लेकिन बड़ा सोचा था कि शायद पिछले मैच की तरह परफॉर्म करेंगे, बट सीरियसली एक ही चीज कहूंगा कि यार लानत है मिडल ऑर्डर पे। मतलब कि जो पहले मिडल ऑर्डर था हमारे पास, हफीज था, शुएब मलिक था, शाहिद अफरीदी था, क्या उन लोगों ने खेलना होता था? क्या कर रहा है ये खुशदिल शाह, क्या कर रहा है ये इफ्तिखार? मतलब कि इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि वो आपके टॉप ऑर्डर जो बैट्समैन है, बाबर है, रिजवान है, क्या हर मैच में उन्होंने ही परफॉर्म करना है? क्या इन लोगों का जरा भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये लोग भी थोड़ा परफॉर्म कर लें? इनसे बेहतर तो यो क्या कहते हैं धानी रहा है, जिसने 2 बॉलों पे 10 स्कोर कर दिया है। ठंडा छोड़ यार मुस्तफा कसम से, एक एक आता है, एक एक आदमी आता है यार, दिमाग खराब करते, जाओ मेरा जाओ वरना मारेगा। हो गया मोबाइल मुसलमान सदापारेगा।
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो टीम है आज उन्होंने हमारी ना बिस्ती करवा के रख दिया। वो बिस्ती इसलिए करवाई, यार आप थले पे खेल रहे हो, शर्म करो यार। आपको नहीं पता कितने बड़े प्लेटफॉर्म के में जाके परफॉर्म कर रहे हो, उसके अलावा यार इंडिया के साथ तुम्हारा मुकाबला कर क्या रहे हो? ना था इनकी बैटिंग पे, इंडिया इतनी अच्छी बॉलिंग कर चुका है, मैच में मैच खेलते हैं। शुएब मलिक को आपने बाहर क्यों निकाला? कोई रीजन नहीं, कम से कम एक सीनियरिटी लेवल था, ठीक है। जैसे उनके पास विराट है, विराट आउट ऑफ फॉर्म है 2 साल से, लेकिन स्टिल उसको खिला रहे हैं। उनका रोहित है, स्कोर नहीं कर रहा, बस स्टिल वो कैप्टन है, लेकिन फिर भी उनको खिला रहे हैं। तो हमारे पास कोई बैट्समैन था ही ना, फखर आउट हुआ, उसके बाद आपके इफ्तिखार अहमद आपके पास क्या था? वो आप नेशनल लेवल पे खेलता है, उसका तो कोई इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर ही नहीं है। खुशदिल शाह को आप बैट्समैन बना रहे हो, वो तो आपका सिरा आपका जो है वो ऑलराउंडर है और हिटिंग करते हैं लोग हिटिंग पावर के साथ। फिर आप आसिफ अली को बाद में भेजो, शदाब को पहले भेजो। नवाज शरीफ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दुबई में रहता हूँ, लेकिन जो आज पाकिस्तान खेल रहा है वो अल्लाह जज्बात के ऊपर काबू नहीं ला सकता, रख सकता। और मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ कि खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मैच में लेके चलो। पाकिस्तान के खातिर अगर मैं ये हाथ नहीं काटा ना, इन लोगों के ऊपर अगर मैं छक्के नहीं मारे, तो आ जाओ मैं आप लोगों के साथ ये हाथ काट देगा। खुदा के लिए इमरान साहब, आपके लिए भी मेरा ख्वाहिश है, मैं दुबई में रहता हूँ, खुदा के लिए एक मर्तबा मेरे को मौका दे दो। इस इंडिया के लिए ना हेलमेट डालेगा और ना ग्लव्स डालेगा, इंशाल्लाह इन लोगों को मैं सिखाएगा। ये पाकिस्तान का क्रिकेटर जो है, इन लोगों को मैं सिखाएगा। वल्ला कसम खुदा के इन लोगों ने मेरे को रोने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा खेलते है कोई, कसम खुदा के बर्बाद किया इन क्रिकेटर्स ने हमको, सब क्रिकेटर्स ने हमको बर्बाद किया। खरोश टीम पाकिस्तान की फतह का इंतजार, धड़कनें बेतरतीब रहीं, लेकिन फिर शहरियों ने टीवी तोड़ डाले, क्रिकेट शायकीन ने आइंदा बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने से इनकार कर दिया। अफसोस तो बहुत हुआ, हम 3 बजे से आके बैठे हुए, बड़ा दुख हुआ। आप नहीं आएंगे, आप घर में देखेंगे। खेल के हारे तो फिर भी कोई खास कोई भी अफसोस नहीं होता, फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जिस तरह आखिरी में इन्होंने एंड किया है ना, वो बहुत खराब। ना बॉलिंग अच्छी की है, ना बैटिंग अच्छी की है, इनको निकालना चाहिए, इनसे तो हमारी वुमेन टीम खेलती है। मुल्तान में बिफरे क्रिकेट दीवानों ने बल्ले जला दिए। उनका कहना था कि लड़कों से अच्छी तो लड़कियों की टीम है। से वो औरतें अच्छी हैं जिन्होंने मैच जीता, ये तो मर्दों के क्या कर रहे हैं उन्होंने, इन्होंने मुल्क का नाम डुबा दिया है। पूरी पाकिस्तानी टीम को हटाया जाए, इसके जगह पे कोई और ये नए बरतने लिए जाएं ताकि ये सेट हो। पाकिस्तान से जो एक्सपेक्टेशंस थी वही हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए और मैं कभी मैच नहीं इनका देखने आऊंगी अब। इस्लामाबाद में क्रिकेट दीवानों ने कहा कि फतह की हसरत रह गई। हमारी तो हसरत ही रह गई है जिंदगी में इंडिया को हारता हुआ देख ले। यार जब से पैदा हुआ मैं पाकिस्तान को हारते देखते आ रहा हूँ यार, सीधी सी बात और कुछ नहीं यार। अच्छा नहीं किया पाकिस्तान ने, ढाई नहीं मारते हैं। यहाँ हमारे कैप्टन को जरा विकेट को रीड करना चाहिए था और उस हिसाब से स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना चाहिए था बजाय फास्ट बॉलर के। ये आपको पहली दफा तो हुआ नहीं है, चाहिए था माद अहमद को, इन्हें स्लो बॉलर धो कर रखे हैं, फास्ट बॉलर 4। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान की कौम है और पाकिस्तान के जो रिएक्शन लेने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जब रिएक्शन दिया तो उसमें उन लोगों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आया अपनी टीम को लेकर, क्योंकि हमेशा जो पाकिस्तान है वो हारता चलाता है इंडिया से। और लेकिन अगली बार 2021 के अंदर में पाकिस्तान ने किसी भी तरह से जीत हासिल कर ली थी और उनका कहना था कि इस बार भी हम 10 विकेट से इंडिया को हराएंगे, लेकिन इंडिया ने उनके 10 विकेट गिरा के साबित कर दिया कि बाप जो होता है वो बाप ही रहता है और बेटा बेटा रहता है।
जाता है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में जिस तरह से टीवियां फोड़ी गई हैं, जिस तरह से बैट्स को जलाए गए हैं, जितने भी क्रिकेट लवर हैं वो गुस्सा हो चुके हैं और वो अब जो पाकिस्तान की टीम है उस पर गालियाँ दे रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान की टीम है बाबर आजम है वो केवल सेल्फिश है, वो केवल अपना देखता है, अगर वो अच्छे अच्छे क्रिकेटरों को टीम में लाता तो आज पाकिस्तान जीता होता। पाकिस्तान की पूरी कौम इतना ज़्यादा नाराज़ हो चुकी है कि अब वो दोबारा स्टेडियम में आने का नाम नहीं ले रही है। उनका ये कहना है कि इस बार तो हम आ गए लेकिन अगली बार से हम घर पे ही देख लेंगे या फिर वो भी नहीं देखेंगे, स्टेडियम में तो हम कभी भी नहीं आएंगे मैच देखने के लिए क्योंकि हमारा पैसा हमेशा बर्बाद हो जाता है और हम जब स्टेडियम से निकलते हैं तो इंडियंस हम पे हंसते हैं और हमें बहुत ही शर्म आती है। इस बात से पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि जो बाबर आजम है उसने अच्छे बॉलर्स नहीं लाए अपनी टीम में और अच्छे क्रिकेटर्स नहीं लाए, उसने केवल खुद को साबित करने के लिए उसने अच्छे क्रिकेटरों का चुनाव नहीं किया। और दोस्तों पाकिस्तान की जनता है वो ये भी कह रही है कि जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उनको नहर पे खड़ा करके उनके हाथों में चूड़ियां पहना देनी चाहिए क्योंकि हमारी जो टीम है वो इसी लायक है और वो भारत से कभी भी तुलना करने चल देती है लेकिन वो ये नहीं जानती कि भारत की टीम में जिस तरह से इस समय हार्दिक पांड्या और सूर्यकुमार यादव अपनी रंगबाजी को दिखा रहे हैं, अपनी चमक को दिखा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया डर रही है कि आखिरकार ये बैट्समैन कभी भी अपना परफॉर्मेंस ख़राब क्यों नहीं होने देते, वो हमेशा अच्छा प्रदर्शन ही क्यों करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।